अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज आप देख सकते हैं कि हमाद भाई जो है ना अपने जो उन्होंने जानवर रखे हैं गाय भैंसे वगैरह उनके लिए पट्टे वगैरह लगा रहे हैं, ये बाजरा और ज्वार वगैरह लगा रहे हैं। तो ट्रैक्टर आया हुआ है और माशाल्लाह हमाद भाई जो है ना छट्टा लगा रहे हैं। ये आप दिखाएं जी, हमाद भाई जो है ना छट्टा लगा रहे हैं और मौसम भी माशाल्लाह प्यारा हो चुका है, मौसम ठंडा हो चुका है, बहुत माशाल्लाह अच्छा मौसम है। और ये ज़मीन तो कर दी, अभी शायद और भी कोई ज़मीन हो करने वाली, तो अभी हमाद भाई से भी पूछेंगे जो है ना क्या तरतीब है, क्या इसको कितना टाइम लगेगा अभी तैयार होने में, तो अभी कितना वक्त निकालेगा पूछते हैं हमाद भाई से। अच्छा जी, हमाद भाई आ गए हैं, चलो इनसे पूछते हैं कि क्या कोई हिसाब किताब है जी जो आपने जो है ना पीछे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है हमाद भाई? ठीक हो? आप भी ठीक हैं आपकी? अच्छा हमाद भाई, हम ना आपसे ये इसके बारे में थोड़ा पूछना चाहते थे कि माशाल्लाह आपने जो है ना बाजरे का और ज्वार का छट्टा लगा दिया है जी भाई, तो देसी माहौल है माशाल्लाह, हम पिंडा वाले हैं जी जी, पिंडा वाले हैं तो देसी माहौल है, माल डंगर उम्मीद है कि दो तीन महीने कट जाएगा क्योंकि चंगा पठा ज्वार जी होंगी ना जो होंगी जमी है, बाजरा भी लाया गर्मी भी बहुत है, उम्मीद तो है कि बारिश होगी तो एक दो दिन तक इंशाल्लाह मोहल आए तक। कितनिया गावा मजा रखी जितने दो गाव ने दो मजा ने बाकी बकरियां भी रखी माशाल्लाह दूध छूट पीते हो सही पता चल रहा है सेहत जी हाँ जी। हमाद भाई ने तुहानू दस्या कि जरा ना ये ज्वार से बाजरा इन्होंने जो लाया तकरीबन तीन एक महीने कट देगा इन्हों का ज्वार बाजरा, गावा मजा नू पान के दो गावा दो मजा रखी माशाल्लाह दूध छूट पीते सही सेहतमंद नजर आ रहा।